अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर किंग अब्दुल्ला। आप सबको खुशामदीद है मेरे नए और बेहतरीन व्लॉग में। सो आप लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ था कि मैं बनाऊंगा अपना एक न्यू साइकिल रिव्यू। सो आज की वीडियो के अंदर मैंने न्यू साइकिल रिव्यू बनाया, तो आप लोगों को अपनी साइकिल में रिव्यू दिखाऊंगा। तो आप लोग चलो और चल के मेरी साइकिल का रिव्यू देखो। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई जिसके ऊपर मैंने बताया हुआ था मेरी साइकिल कैसे चोरी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, ऊपर आई बटन के अंदर लिंक मिल रहा होगा, उधर जाके क्लिक कर लें, या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उधर जाके आप देख लें। वहाँ पर आप लोगों को पहले वो देख लें ठीक तरह, फिर उसके बाद आपको तसल्ली हो जाएगी, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी साइकिल कैसे चोरी हुई थी। मैंने नई साइकिल ली है, उसका रिव्यू आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो रिव्यू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर के बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर प्रेस करें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आप लोगों ने रिव्यू मेरी साइकिल का देख लिया होगा, तो मैं आप लोगों को इसको चला के भी दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ सामान तो नहीं है जिससे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं चलाऊं, लेकिन हाँ एक तरीके से मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो चले दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम इसे चलाएंगे। ये आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी ना, उसके अंदर ही मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था और एक हाथ से मैंने साइकिल चलाई थी। अगर वो भी नहीं देखी, ऊपर आई बटन में आपको मिल रहा होगा लिंक, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप लोग उधर जाके देख लेना। तो भी मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इसके अंदर गियर 3 फ्रंट गियर है और बैक गियर 7 है। एक इसके इधर भी गियर है, इधर 3 गियर हैं और पीछे इस जगह के ऊपर 7 गियर हैं। तो इसके अंदर टोटल इसके अंदर गियर है 10 गियर है। तो आओ चलाते हैं इसे और देखते हैं कैसे रिव्यू। साइकिल को मैं अभी नॉर्मली रखता हूँ। ये कैमरा ठीक है, ये मुझे कैमरा ठीक लग रहा है। तो अभी हम लोग इसे चलाते हैं। ये जिदाफ्स है, देखे बहुत अच्छी चल रही है साइकिल। इसके आगे इस जंपर है हाइड्रोलिक, ये मैं हाईवे पे आ गया। इधर हाईवे है और उधर रॉन बोर्ड है। उस रॉन बोर्ड का नाम है, ज़्यादातर तो लोग कहते हैं, ज़्यादातर उस रॉन बोर्ड को कहते हैं कि सिंगो वाला गाय के सिंग नहीं होते, वो कहते हैं कि भाई सिंगो वाला रॉन बोर्ड। लेकिन उसका रियल नाम है अब्दुल करीम रॉन बोर्ड, ये उसका रियल नाम है। जगह के ऊपर इसका वो है, ग्राउंड है हमारे घर के पीछे, ये ग्राउंड। मैं इतना ज्यादा चलाता नहीं हूँ क्योंकि जब यहाँ बारिश होती है ना तो बहुत कीचड़ हो जाता है, इसके वजह से मैं बारिश में नहीं चलाता क्योंकि
इसको अभी मुझे महीना हो गया है साइकिल को, अभी जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना महीना हो गया है। तो अभी आप लोगों को हम लोग घर के अंदर मिलते हैं। मैं भी दोबारा ऊपर लेकर आके हाथ धो के उसके बाद मैं अभी चढ़ गया हूँ। अब मैं साइकिल अपनी ऊपर ही रखता हूँ जब से मेरी साइकिल चोरी हुई है ना। यही आज मेरी वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो ना लाइक करो, मुझे क्या, लेकिन कमेंट करके बताओ आप लोग। तो ये है मेरी वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो और व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैंने अपनी कोविड की सेकेंड डोज लगवानी है, वो मैं आप लोगों को अपलोड करूँगा। 28 को मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि 27 को मुझे डोज सेकेंड डोज लगेगी, तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। फिर अगले दिन मैं टाइम तो मैं पक्का नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 28 को मैं लाजम अपलोड करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।